morning students. Last time we had understood till exercise A of chapter number 20. Now let's continue. Exercise B. Underline the conjunctions in these sentences. So in sentences mein se conjunctions hame underline karne hai. First, my mother will allow me to go for a movie if I finish my homework today. मेरे मदर मुझे मूवी जाने के लिए अलाव करेंगे अगर आज मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो. सो इन दिस इफ इज कंजंक्शन क्योंकि वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है. सेकेंड, द इलेक्ट्रिशियन इज आस्किंग वेदर ही शुड रिपेयर द रेगुलेटर और रिप्लेस इट. इलेक्ट्रिशियन है वो पूछ रहा है कि वो रेगुलेटर है उसको रिपेयर करे या रिप्लेस. तो वेदर है वो क्या है कंजंक्शन. इट इज़ जॉइनिंग टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड और है वो उसको दो वर्ड्स को जॉइन कर रहा है रिपेयर करना है या रिप्लेस. सो वो भी कंजंक्शन है. थर्ड, बोथ तनुका एंड भारती आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड. तनुका और भारती दोनों ही मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं. तो बोथ एंड ये वर्ड्स है वो तनुका और भारती ये टू वर्ड्स को जॉइन कर रहे हैं तो वो कंजंक्शन है. फोर, आई विल नॉट गो अवे टिल यू कम्प्लीट द वर्क. जब तक तुम अपना वर्क कम्प्लीट नहीं करते हो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी. तो टिल वर्ड है इज जॉइनिंग टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स तो वो क्या हुआ कंजंक्शन. फाइव, प्लीज़ सबमिट योर प्रोजेक्ट बाई टमोरो इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट मार्क्स टू बी डिडक्टेड. अगर आप नहीं चाहते हो आपके मार्क्स कटे तो कल तक प्रोजेक्ट सबमिट कर देना. यहाँ पे इफ है वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है तो वो कंजंक्शन है. सिक्स, रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स एंड ईट फूड. अपने हैंड्स वॉश करके खाना खाना है ये याद रखना है. तो यहाँ पे एंड है वो रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स ये सेंटेंस एंड ईट फूड इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन दोनों को ज्वाइन करता है इसलिए कंजंक्शन. सेवन, आई विल नॉट गो अवे टिल यू फिनिश द फूड. तुम अपना फूड फिनिश नहीं करते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी. तो टिल है वो दो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं उनको ज्वाइन कर रहा है इसलिए कंजंक्शन. एट, ही ट्राइड ओपन स्टिल ही कुड नॉट ओपन इट. उसने बहुत बार ट्राई की फिर भी वो उसको ओपन नहीं कर पाया. तो यहाँ पे स्टिल इज कंजंक्शन. वो ज्वाइन कर रहा है ही ट्राइड ओपन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और ही कुड नॉट ओपन इट उस सेंटेंस को. नाइन, ही इज रिच येट अनहैप्पी. वो रिच है फिर भी अनहैप्पी है. तो यहाँ पे येट है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एक वर्ड को ज्वाइन कर रहा है इट्स कंजंक्शन. टेन, यू कैन नॉट लूज वेट अनलेस यू ईट अ बैलेंस्ड डाइट. तो यहाँ पे अनलेस है वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है यू कैन नॉट लूज वेट एंड यू ईट अ बैलेंस्ड डाइट. तो अनलेस इज कंजंक्शन. Exercise C. Take write the most suitable conjunctions in these sentences. तो यहाँ पे options दिए हैं उसमें से हमें suitable conjunction को select करना है. First one, Dushyant will not go out today because he has to complete the project. Dushyant आज बाहर नहीं जाएगा क्योंकि उसको project complete करना है. Second, Diksha went to buy grocery but the supermarket was closed. दीक्षा है वो ग्रोसरी लेने गई पर सुपरमार्केट क्लोज्ड था. थर्ड, ही वांटेड टू ट्रैवल बाय ट्रेन बट द ट्रेन वाज कैंसल्ड. उसको ट्रेन से ट्रैवल करना था पर ट्रेन है वो कैंसिल हो गई थी. फोर, द चिल्ड्रन बिगेन टू फील बोर्ड देयरफॉर फादर डिसाइडेड टू टेक देम फॉर एन आउटिंग. चिल्ड्रन बोर होने लग गए थे इसलिए फादर ने उन्हें बाहर ले जाने का डिसाइड किया था. फाइव, यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड. तुम सक्सेसफुल होगे अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो. सिक्स, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो टू स्लीप. मैं सोने जाने से पहले हमेशा अपने टीथ को ब्रश करता हूँ या करती हूँ. सेवन, वी वेटेड टिल द न्यूज़ केम. न्यूज़ के आने तक हम लोगों ने वेट किया था. एट, कॉल मी वैन यू कैन. जब तुम मुझे कॉल कर सकते हो तब कॉल करना. नाइन, ही वॉज मिसबिहेविंग सो ही वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल. वो मिसबिहेव कर रहा था इसलिए उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था. टेन, वी शैल लीव वैन यू आर रेडी. हम लोग यहाँ से लीव करेंगे यहाँ से जाएंगे जब तुम रेडी होगे तब.
Exercise D. Match the first part of the sentence in column A with a suitable ending in column B. Column A और B को match करके हमें sentence form करने हैं. First one, if she works hard, she will win the competition. अगर वो hard work करेगी तो वो competition जीत जाएगी. Second, if you don't walk carefully, you will fall down. अगर तुम ध्यान से नहीं चलोगे तो तुम गिर जाओगे. Third, if he leaves on time, he'll catch the flight. अगर वो time पे निकलेगा तो flight को catch कर लेगा. Fourth, unless he saves money, he'll go bankrupt. अगर वो money save नहीं करेगा तो वो bankrupt हो जाएगा, means उसके सारे पैसे चले जाएंगे. Today we are keeping till here. I hope you have understood the exercises I explained. Thank you.